लास्ट वीडियो में इरोडू बुक से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जेई एडवांस की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या सच में आपको इरोडू सॉल्व करनी चाहिए। इसका डायरेक्टली आंसर करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली जेई एडवांस एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है। तो देखो, जेई एडवांस में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। 20-25% क्वेश्चन जेई मेन्स के लेवल के होते हैं। 50-55% क्वेश्चन का लेवल जेई मेन्स से थोड़ा ऊपर होता है और जो 20-25% क्वेश्चन बच गए वो टफ होते हैं, और इतने टफ होते हैं कि कई बार 20-20 साल से पढ़ाने वाले टीचर्स भी उसे नहीं सॉल्व कर पाते। यहाँ पे आप बस इतना समझ लो कि अगर आपने अपने डीपीपीज और कोचिंग मटेरियल के सारे एक्सरसाइजेस किए हैं तो जेई एडवांस का इजी और मॉडरेट सेक्शन आप कर ले जाओगे, जिसका 75-80% का वेटेज होता है। अगर इतना कर लिया तो अंडर 1500 रैंक जेई एडवांस में बन सकती है। लेकिन अगर बचे हुए ये 20% क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इरोडू जैसी बुक आपको सॉल्व करनी पड़ेगी।